नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा घाट पर बनी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कई बार मैं हैरान रह जाता हूं जब देश में ही कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति से जोड़कर देखते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी हमारी आलोचना होने लगती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है मानो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने अपने संदेश में कहा, सरदार पटेल ने आजाद भारत के सर्वाधिक चुनौती भरे समय में 565 रियासतों का एकीकरण कर उन्हें अखंड भारत का हिस्सा बनाया। हमारे देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने की दिशा में ये आधुनिक इतिहास की अप्रतिम उपलब्धि थी। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित किया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम रहते कभी भी महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अब्दुल कलाम आजाद का नाम नहीं लेते थे और न ही उनके स्मारकों पर जाते हुए किसी ने उन्हें देखा है। मोदी जी देर से आए, अधूरे आए। वो अब राष्ट्रीय स्तर पर हैं तो उनकी मजबूरी है गांधी और सरदार पटेल के नाम लेने की। अयोध्या मामले में सुनवाई जनवरी 2019 तक टलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए दुख की घड़ी है, जन भावना का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन अध्यादेश मामले पर हमें धैर्य रखने की जरूरत है। दिवाली पर मैं खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ, जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बता दें, पिछली बार योगी ने अयोध्या में दिवाली मनाई थी, ऐसे में माना जा रहा है कि वो इस दिवाली में अयोध्या में कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी को देश भर में मंदिरों का भ्रमण करने के बजाय अयोध्या में राम मंदिर के समर्थन में खुलकर सामने आने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि राहुल में अगर हिम्मत है तो वो देश में मंदिरों का भ्रमण करने के बजाय अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के समर्थन में खुलकर सामने आए। अगर वो हिंदू हैं तो उनका गोत्र क्या है? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अठावले के अनुसार अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाता है तो इससे कीमतों में 20-30% कमी लाने में मदद मिलेगी, जिससे मध्यम वर्ग और आम लोगों समेत देश को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा खरीदे गए राफेल फाइटर विमान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि 10 दिन में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत और अन्य स्ट्रेटेजिक डिटेल सील बंद लिफाफे में जमा कराए। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि पहले सीबीआई को अपने घर को व्यवस्थित कर लेने दीजिए, अभी इसमें वक्त लग सकता है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का न्योता अस्वीकार कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने इसे कूटनीतिक चूक और देश के लिए एक किरकिरी की बात करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने देश की विदेश नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने जब भी अपने प्रधानमंत्री के जरिए किसी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष को न्योता भेजा है तो उसे कभी अस्वीकार नहीं किया गया। अफगानिस्तान के फराह प्रांत में खराब मौसम के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर जा रहा सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि उसमें सवार सभी 25 लोगों की मौत हो गई है। हेरात प्रांत से रवाना होने के तुरंत बाद आज सुबह करीब 9:10 पर यह हादसा हुआ। एक्टर आर माधवन जल्द ही इसरो के वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन की जिंदगी पर बनी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्टो लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का टीजर और पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस बारे में माधवन ने कहा कि दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा और कईयों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनके बारे में नहीं जानने का मतलब है आप अपने देश के बारे में बहुत कम जानते हैं। दिन भर की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।